ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगातार गौशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें अभी हाल ही में एक गौशाला में मरी हुई गाय पाई गई थी, जिसको लेकर समाज एवं सामाजिक कार्यकर्ता बेहद आहत हुए हैं। बजरंग दल ने इसकी जानकारी प्राप्त की है, तो वहीं गौशाला में गायों के निधन लगातार हो रहे हैं, जिसके चलते ही अब उन्होंने अपना आक्रोश भी प्रकट किया है। बजरंग दल द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में प्रशासन गायों को लेकर ढीला रवैया दिखा रहा है, जिससे सभी समाज के लोग और कार्यकर्ता आहत हैं। वहीं उग्र आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी भी अधिकारियों को दे डाली है। क्या नाम है आपका? भरत राजपूत, जिला मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। आज जो ये लगातार जो गाय की मौत हो रही है, तो उसमें क्या आपने देखा और किस तरह से आपको जानकारी मिली? इसके लिए हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर है बजरंग दल, क्योंकि हम कई बार प्रशासन को चेतन कर चुके हैं, इसके बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है। अगर यही हालत रहेगी तो हमारा बजरंग दल मैदान में आकर उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल लगातार ऐसी गतिविधियाँ प्रशासन को अवगत कराता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेत पा रहा है, तो क्या माना जाए कि बजरंग दल आगे क्या रणनीति अपनाएगा? बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा और ज्ञापन देगा, अगर ये नहीं मानते हैं तो चक्का जाम भी करेगा।